मतलब हाँ फरियादी जो है उन्होंने आकर के रिपोर्ट की कि उनके जो पति हैं मोहम्मद फरहान, उन्होंने 10/1/2021 को जो है दूसरा विवाह किया, तो उसे रुकाने आई थी डायमंड गार्डन में। तब उन्होंने उनको रुकवाने का प्रयास किया, पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तुमको तलाक 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 कहकर 3 बार तलाक कहते हुए तलाक दे देता हूँ, और तलाक दिया है। इस पे से वो जो पीड़िता है वो थाने आई थी, जिससे जो है उनके आरोपी के विरुद्ध जो है उसमें अपराध पंजीबद्ध किया है, जो कि धारा मुस्लिम महिला विवाह का अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, जो कि हालिया में काफ़ी चर्चित भी रहा है, उसके तहत पंजीबद्ध किया है, जिससे उसके परिवारजन भी खुश हैं और उनको ये विश्वास है कि इस जो कानून से उनको न्याय मिलेगा। सर शादी कितने वर्ष? शादी आज से 4-5 वर्ष पहले इनकी शादी हुई थी, जिससे इनका एक बच्चा भी है, और आरोपी ने उसकी परवाह ना करते हुए दोबारा निकाह किया है और उनकी पत्नी के सहमति के बिना। तो ये अपराध है, और उसमें एक ही बार उन्होंने 3 तलाक कहा, तो यह जो अधिनियम है उनको संरक्षण प्रदान सर, करता इसमें है। कोई पार्षद भी बीच बचाव मामले में आया? पार्षद ने दोनों के बीच में समझौता कराने का प्रयास किया था कि अगर आपसी सहमति बन जाती है तो ठीक है, पर उसमें आपसी सहमति नहीं बनी उनकी।